my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 6, chapter 13, Fun with Magnets, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter, Fun with Magnets, part 1. My dear friends, we all are very much fascinated by the word magnet. मैग्नेट के नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सा खुशी छा जाता है. ऐसा क्यों? इट्स व्हाई? इट्स बिकॉज़ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन प्लेइंग विद मैग्नेट्स. वी फील इट्स फन टू प्ले विद मैग्नेट्स. मैग्नेट इज सच ए थिंग व्हिच अट्रैक्ट्स अदर थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. तो मैग्नेट के ये मजेदार कैरेक्टर है कि ये डिफरेंट चीज को अट्रैक्ट करता है. तो क्या इसका ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी फोन के लिए है, हमारी गेम के लिए है, या फिर उसका कोई यूटिलिटी भी है हमारी जिंदगी में? ये हमारा कुछ काम का आएगा कि नहीं? तो और भी बहुत सारी थिंग्स इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ये मैग्नेट का डिस्कवरी एक बहुत ही मजेदार कहानी है. और क्या मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट. फिर फाइंडिंग डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. हम मैग्नेट की मदद से कैसे डिफरेंट डायरेक्शन हमको निकलने में मदद मिलेगा. तो फिर और क्या हम अपना मैग्नेट भी बना सकते हैं. तो मेकिंग योर ओन मैग्नेट्स, व्हाट इज द टेक्निक वी लर्न टुडे. और हम डिस्कस करने वाले हैं दो मैग्नेट अगर पास पास हो तो उनमें से अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है ना मजे की बात. तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर Fun with magnets. Okay? पहली एंड भुजो went to a place. पहली और भुजो एक जगह गए थे where a lot of waste materials was piled into huge heaps. जहाँ पर बहुत सारे कचरा पड़ा था. अपने ऐसा अपने शहर की कई जगह देखे होंगे कि कचरा बहुत ऊंचाई से जमा हुआ हुआ रहता है. ये कोई स्पेशल बात नहीं है, ये तो आम बात है, अक्सर हम देखते हैं इधर उधर. Sometimes exciting was happening, पर इसके बाद भी एक मजेदार बात हो गई. क्या हुआ? एक क्रेन was moving towards the heap of junk. देखा गया कि एक क्रेन जा रहा है इसी जहाँ पर कचरा गिरा था उसी की ओर. तो फिर the long hand of the crane lowered a block over a heap. उसका क्रेन का एक लॉन्ग हैंड रहता है. बच्चों आप लोगों ने तो क्रेन देखा होगा. तो उसका जो लंबा सा हैंड रहता है वो जो हीप ऑफ वेस्ट पड़ा है, जो वेस्ट का कचरा जमा हुआ है उसके ऊपर वो जा रहा है. द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोयर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हीप. तो फिर वो एक ब्लॉक लेके जा रहा है और उसके को क्या है हमको नहीं मालूम, वो हीप के ऊपर उसको चला रहा है. इट देन बिगन टू मूव. और उसको उसी ब्लॉक को फिर वो मूव कर रहा है. तो फिर ये किस लिए हो रहा है, चलिए देखते हैं. गेस व्हाट, अरे ये क्या चीज है. मेनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वेयर स्टिकिंग टू द ब्लॉक. तो फिर बहुत से जंक जो है जो कि आयरन की बने थे वो तो जल्दी से चिपक गए इसी ब्लॉक में. एच इट मूव्ड अवे. तो फिर जैसे ही गति करने लगा तो फिर ये देख पा रही है आप, वो जंक कैसे चिपकने लगा. इससे क्या होगा? दे हैड जस्ट रेड ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट इज पिकिंग ऑफ आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड. क्योंकि उन्होंने तभी ही पढ़ा था कि ये सब काम किसी और का नहीं, बस मैग्नेट का ही है. तो फिर उन लोगों को तुरंत ही पता चल गया यहाँ पर जरूर मैग्नेट है, तभी तो ये सारे चीज इसमें अटैच हो जा रहे हैं अपने आप. अरे हमको जो अच्छा लगता है खेलने के लिए मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो हमको अच्छा लगता है. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम. तो आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो हम कचड़े में से भी आयरन वाले चीज को, आयरन से बनी चीज को उठा ले सकते हैं. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम. आप मैग्नेट देखे होंगे और उसके साथ बहुत से खेले भी होंगे. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सर्फेसेस लाइक अलमिराज और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. ये अक्सर होता है ना कि हमारे घर के फ्रिज में, अलमीरा में हम छोटे छोटे जैसे गुलदस्ता वगैरह चिपका हुआ होता है. पहले तो जब मैं छोटी थी मुझे लगता था
अरे ये गुलदस्ता कैसे चिपक गया है? कुछ जादू है क्या? फिर पता चल गया कि अरे इसके पीछे जादू नहीं, छोटा सा मैग्नेट है। तो ऐसे जो भी लोहे का डोर से रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर अलमीरा हुआ, उसका सरफेस तो बना है आयरन से, इसीलिए अगर एक मैग्नेट हो तो फिर मैग्नेट के ऊपर चिपका दो किसी भी एक सुंदर चीज और वो भी साथ साथ चिपक जाएगा अलमीरा की डोर पर। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। किसी किसी पिन होल्डर में भी ऐसे होल्डर के साथ स्टिक करने का देखा जाता है। तो फिर इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट ए लॉकिंग अरेंजमेंट। किसी किसी पेंसिल बॉक्स में तो उसको लॉक करना नहीं पड़ता, बस उसके पास एक मैग्नेट होता है, उसी से वो दोनों साइड उसका चिपक जाता है। कौन सा साइड मैं बोल रही हूँ? जैसे देखो ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, हाँ इसमें ये दोनों चिपक जाएंगे। ये देखो ये मटेरियल जो है ये क्यों यहाँ चिपका है भैया? अरे इसलिए चिपका है क्योंकि इसके पीछे एक मैग्नेट है। ये जो पिन है ये पिन क्यों यहाँ पर है? क्योंकि ये जो बीच वाली चीज है ना, ये है हमारी मैग्नेट। ठीक, तो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ये मैग्नेट इतना मजेदार है, तो फिर ये कब डिस्कवरी हुआ था उससे पहले और कुछ लाइन्स हम पढ़ लेते। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट ए लॉकिंग अरेंजमेंट। सच स्टिकर्स पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड। तो फिर ऐसे में ये तीनों चीज में क्या क्या है? मैग्नेट है ये, इसीलिए ये तुरंत ही ऐसे चिपक जा रहा है। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दिस। इसमें से अगर आपके पास ये है या फिर ये है तो फिर इसमें से मैग्नेट कहाँ छिपा है आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर, ये जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, चर्चा हो रहा है, ये चीज किसने कब इसका डिस्कवर किया, कहाँ छिपा था ये और किसको पता चला कि ये क्या है? चलिए पहली जब पहली बार कोई देखा होगा तो फिर तो वो घबरा गया होगा कि ये चीज है क्या, है ना। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस। एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नस। उसका चित्र तो अगले पेज में बहुत अच्छी तरह दिया गया है, हम आपको दिखा देंगे। हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस। वो किस जगह की बात है? पुरानी हमारे प्राचीन ग्रीस की बात है। He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached to the at one end. तो फिर क्योंकि वो एक शेफर्ड है, कौन? मैग्नस। कहाँ रहता था? ग्रीस में। तो फिर वो जरूरी अपना गोट्स और शीप, शेफर्ड लोग क्या करते हैं, वो अपना कैटल को लेके जंगल की ओर चले जाते हैं क्योंकि जंगल में बहुत सारे घास पत्ता वो सब खाएंगे गोट्स और शीप। तो फिर उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ में एक डंडा जरूर होता है। और मजे की बात तो ये है कि उसे डंडे की टिप में एक आयरन का पीस भी अटैच हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक ऑन द। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसका वो स्टिक कहीं पर एक चिपक गया और उसको वापस लाने के लिए खींचना पड़ा। अरे ये क्या बात हुई, भला स्टिक को लाने के लिए उसको खींचना क्यों पड़ा? तो फिर वो इसलिए हुआ, देखिए ये है वो शेफर्ड मैग्नस। और तो फिर वो माउंटेन साइड में ऐसा हुआ था। इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक वॉज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो फिर बात ये है कि स्टिक इसलिए अट्रैक्टेड हो गया, ये जो रॉक पीस की तरह दिख रहा है ना ये वाला, ये कोई रॉक पीस नहीं, ये एक मैग्नेट पीस है। तो फिर तो ये चिपक गया था। इट वॉज ए नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टीप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। क्योंकि ये एक नेचुरल मैग्नेट है, यानी कि नेचर में पाई जाने वाली मैग्नेट। अब आपको लग रहा होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होता है, जरूर होता है। आजकल तो आप खुद भी अपना मैग्नेट बना सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे जब आएगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट की वजह से यहाँ पर ये चिपक गया टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो फिर ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये सारे जब हम छानबीन किया गया फिर पता चला अरे ये कुछ और नहीं बस मैग्नेट ही है। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। तो फिर ऐसे रॉक को कहा जाता है मैग्नेटाइट।
तो परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट सफर, क्योंकि सफर का नाम था मैग्नेस, इसीलिए इस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। जैसे अमेरिको वेस्पुसी ने डिस्कवर किया था तो उनके नाम से रखा गया अमेरिका, आपको तो ये बात पता ही होगा। ऐसे ही मैग्नेस के नाम से रखा गया मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट सफर मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन, तो उसी सफर के नाम की वजह से उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और ये मैग्नेटाइट में होता क्या है, इसमें होता है आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। अरे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये मैग्नेटाइट पहले कहाँ देखा गया था, मैग्नेशिया में। चाहे मैग्नेशिया से हो या फिर मैग्नस से हो, इसी से आया है नेम मैग्नेट। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। तो हम मैग्नेट्स कैसे कहेंगे, ये बात को और एक बार ध्यान कीजिए। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। तो मैग्नेट वही है, वही सब्सटेंसेस है जिसका एक कैरेक्टर है कि वो आयरन वाली चीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सा चीज, जिसमें आयरन होगा उसी वाला चीज को, वो आयरन से बनी चीज हो, चाहे वो एक नेल हो या सीप हो, जितना छोटा से छोटा चीज या फिर बड़ा से बड़ा चीज, उसे कोई डर नहीं, बस उसका काम है आयरन वाली चीज को अट्रैक्ट करना। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। ऐसे ही एक पुराना स्टोरी है, इसका कौन सा स्टोरी इसमें से सच है ये तो आप ही जाने। इन एनी केस पीपुल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। चाहे जो भी हो, तो फिर अब तो आपको ये बात पता ही चल गया है कि कुछ रॉक्स है जिसका प्रॉपर्टी होता है पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करना। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दिस रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी। तो फिर उसी रॉक का, स्मॉल पीसेस का ये प्रॉपर्टी होता है, बहुत छोटा से पार्ट उसमें से होता है जिसका ये प्रॉपर्टी होता है कि वो चीजों को अट्रैक्ट करे। दे नेम्ड दिस नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट। तो फिर उसमें जो छोटा सा पीस रहता है जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं मैग्नेट। लेटर ऑन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। देखिए वो तो नेचुरल मैग्नेट की बात बोली थी, अब ये बोल रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल, किसी भी चीज आर्टिफिशियल नाम जुड़ जाने से वो हो गया मनुष्यकृत, यानी कि हम उसको बना सकते हैं अपनी लैब में अपने सामने। वो पैदा से ऐसा नहीं होता, वो नेचुरली ऐसा नहीं होता, हम खुद उसको अपनी मन से, क्योंकि हमने चाहा तो उसको बनाया मैग्नेट। तो मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन, ये किससे बनाया जाता है, एक पीस ऑफ आयरन लेके आप उसको मैग्नेट बना सकते हैं और उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउएडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। आजकल क्या हो रहा है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत सारे शेप में आ रहे हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हर्सू मैग्नेट्स, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ये सारे का चित्र इधर दिया गया है, ये देखिए, ये है बॉल एंडेड, है ना, बॉल एंडेड, ये है हर्सू मैग्नेट और ये है बार मैग्नेट, ये हर्सू मैग्नेट। तो फिर इसे डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप का होता है, तो ये है कुछ अलग अलग टाइप ऑफ मैग्नेट जिससे कि हम मनुष्यकृत है, आर्टिफिशियल है। एक्टिविटी वन, टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें और भी मजा आने वाला है आपको। टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप, ये एक प्लास्टिक और पेपर कप है, फिक्स इट ऑन ए स्टैंड, ये वो स्टैंड है जिसके वहां उसको फिक्स किया गया है। प्लेस ए मैग्नेट इन साइड द कप, इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर एक मैग्नेट छिपा हुआ है जो कि हमको दिखता नहीं है। कवर इट विद पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। उसमें से रखा गया मैग्नेट हमको बिल्कुल दिखता नहीं है, तो वो मैग्नेट कहाँ है, मैग्नेट है इसी जगह पर वो मैग्नेट है, यहाँ पे कहीं पे वो मैग्नेट है जो कि हमको दिख नहीं रहा। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप, तो हमको और क्या करना है, ये है एक थ्रेड और एक क्लिप। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। ये एक स्टैंड है, ये इसका बेस है, तो फिर बेस पर उसको फिक्स किया गया है। तो ये है थ्रेड और ये है नीडल। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्स हियर,
यहाँ पर कुछ आपको क्या करना है, आप देखिए, बी केयरफुल इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशियंटली शॉर्ट, यानी कि उसका जो थ्रेड है, थ्रेड का जो पीस है वो आपको बिल्कुल छोटा ही छोटा रखना है। ये थ्रेड जो है ये इधर तक नहीं पहुंचना चाहिए, इधर तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कफ, ये क्लिप को हम बेस ऑफ द कफ के पास लाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है। अब ये बात याद रखिए, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट, तो क्लिप जल्दी से फटक से ऐसे खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर में एक मैग्नेट है। तो क्लिप नियर द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट, ये एयर में जैसे खड़ा है ना, इसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये खड़ा है लाइक ए काइट। तो फिर ये है हमारी जो कप के अंदर रखा गया मैग्नेट का कमाल है कि ये सब ऐसा हो रहा है। तो मैग्नेटिक, अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दो प्रकार के चीज होते हैं, एक मैग्नेटिक होते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक होते हैं। और किसको मैग्नेटिक बोलेंगे, देखिए ये हम करेंगे एक्टिविटी 2 में। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नस, जैसे मैग्नस ने चले थे तो फिर ऐसे थोड़ा हम भी चल के देखते हैं। ओनली दिस टाइम विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन, हमको सिर्फ ये करना है कि मैग्नेट और आयरन का पोजिशन इधर उधर करना है। देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर स्टिक, ओरिजिनली क्या था, मैग्नेस की एक स्टिक था, स्टिक के टिप में आयरन था, और नेचर में जो पत्थर था वहां पर मैग्नेट था। अब हमको क्या करना है, उसका पोजिशन चेंज कर देना है, यानी कि मैग्नेट रहेगा मैग्नेस की वो स्टिक के टिप के ऊपर, टिप में रहेगा, स्टिक में रहेगा मैग्नेट। तो देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक, वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू ए हॉकी स्टिक, वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट हम हॉकी स्टिक में दे सकते हैं, वॉकिंग स्टिक और एक क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू। तो हम ये मैग्नेट को कैसे चिपकाएंगे, ग्लू या फिर एक सेलो टेप की मदद से। लेट अस नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नेट वॉक, अब मैग्नेट जैसे वॉक किए थे हम ऐसा वॉक करते हैं उसी स्टिक को लेके थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड। हमको कहाँ जाना है, हमको ऐसे झाड़ी जंगल में नहीं जाना है, हम चलेंगे अपने स्कूल प्ले ग्राउंड में। व्हाट डज आवर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड, तो हमको क्या क्या मिलने वाला है स्कूल प्ले ग्राउंड से। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, अरे क्लासरूम में भी हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स of day-to-day use from your surroundings. Test this with the magnet stick. You can also take a magnet, toss these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observations. हमको क्या करना है, एक स्टिक के टिप में एक मैग्नेट चिपका के उसी स्टिक लेके घूमना है। तो फिर हमने देखा कि कई सारे थिंग्स आके वहाँ पर चिपका रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। तो फिर कौन कौन सा चीज चिपक रहे हैं इसका हमें एक लिस्ट बनाना है। तो अगर हम लिस्ट करके देखेंगे तो हमको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस तरह का चीज यहाँ पर चिपक रहा है। लुक एट द कलम, लास्ट कलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ इट। तो फिर हमको क्या मिला, जैसे आयरन बॉल, स्केल और शू, ये सारे मटेरियल्स हैं। तो फिर आयरन बॉल कहाँ के बने हैं, आयरन के। स्केल किसके बने हैं, प्लास्टिक के। शू किसके बने हैं, लेदर के। तो इसमें से कौन कौन सा अट्रैक्टेड होंगे, ये सारे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, यही अट्रैक्टेड होंगे, है ना। तो फिर ऐसे हमको पता चल सकता है मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, हमको देखना है ये सारी चीज किस किस से बने हैं। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जिस जिस चीज को मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया है उन सभी में कॉमन क्या है। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स व्हेयरएज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, हमने देखा कि मैग्नेट कुछ ही चीज को अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ ही चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। द मटेरियल्स व्हिच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल और कोबाल्ट। देखिए दो प्रकार का चीज है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, इसीलिए हमने दोनों का डेफिनेशन आपको क्लियर दिखे, इसीलिए एक को रेड में और एक को ब्लू में हमने हाईलाइट किया। तो मैग्नेटिक चीज किसे कहेंगे, द मटेरियल्स व्हिच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, जो चीज
मैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक। जैसे कौन कौन सा चीज अट्रैक्टेड होगा, अभी तक तो हमने सिर्फ आयरन के बारे में, आयरन वाला चीज के बारे में डिस्कस किए हैं, पर सिर्फ आयरन ही नहीं, आयरन के साथ साथ निकेल और कोबाल्ट इससे बनी चीज भी आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक थिंग्स, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक थिंग्स। तो नॉन मैग्नेटिक किसे कहेंगे, उसका ऑपोजिट, मैग्नेटिक का ऑपोजिट हो गया नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक किसे कहेंगे, द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। जो चीज मैग्नेट के द्वारा आकर्षित नहीं होगा, यानी कि अदर देन आयरन निकल कोबाल्ट तो उनमें हो ही नहीं सकते, इन तीन चीजों के अलावा बाकी सब हो गए नॉन मैग्नेटिक। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? इज सॉइल ए मैग्नेटिक और ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? तो फिर इससे आपको क्या पता चला, आपको टेबल में बहुत सारी चीजें मिले थे ना, आपको मिले थे एक स्केल, एक शू, एक आयरन बॉल, तो आपको अब पता चल गया आयरन बॉल हो गया मैग्नेटिक और उसमें से नॉन मैग्नेटिक कौन सा हुआ, स्केल और शू। इसी के साथ हमारे ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, हम दूसरे पार्ट में शुरू करेंगे एक्टिविटी 3 से। ओके, होप यू ऑल एंजॉय माय टीचिंग, थैंक यू। हेलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.